हो पापा जी मेरी हूरे नौरतन के पापा जी मेरी हूरे नौरतन वा जल में बह गिरे हेरा मैं न्यारा वा न्यारी एकली हेरा मैं न्यारा वा न्यारी एकली रोती रह गिरे बता दे रे बेटा तू कौन है बड़े ताया है वो लड़का नौरतन न्यू कहने लगा बाबा जी मैं और मेरी मां दोनों बड़े प्यार से गुजारा करे थे अपना लेकिन एक रोज मणिलाल सेठ घर आया मेरी मां ने बकान लग गया और मेरी मां के दौरे ते ले आया मैं कैसे बाबा जी मैं धोरे रया बारह तेरा चौदह साल साची करके मान बाबा तेरे ते सुनाऊ रे हाल मेरी माता के धोरे ते मने पक्का लाया मणिलाल किसे जुलम डाने शुरू कर दिए सुन ले
फिर मारना तो छोड़ दिया, चीन के बॉर्डर पे धाए रोटी पूना पानी लियाना मेरे जिम्मेर काम लाए। परमेश्वर की लीला न्यारी सर के ऊपर घड़वे रठाए, परमेश्वर की हो लीला न्यारी सर के ऊपर बैठाए। तोरे रस्सी ढोल नहीं काम पराना रत्या से पराना क्या है काम पितौल नहीं काम पराना रत्या से पराना तोरे ढोल नहीं। यार चिड़ी चिड़ाई र भीत चान चक, चिड़ी चिड़ाई र भीत चान चक अपने गिरे। हे रमैया रा बनारी एकली रोवती रह गिरे, मैना रा बनारी एकली रोवती रह गिरे। राजा की बेटी गई तेरा ब्याह हुआ है ते तू गरीब और वह राजा की बेटी यो तो कोई मेल नहीं हुआ। न्यू कहने लगा बाबा जी इसकी भी एक कहानी है के राजा धर्म सिंह की बेटी जिसका नाम नौरतन और उसकी एक शर्त थी कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिस लड़के का नाम भी नौरतन हो। पति पत्नी का एक के नाम नौरतन और वहां के राजा ने जो है पहरेदारों को हुक्म दे दिया कि जो भी नौरतन नाम का लड़का मिले उसको पकड़ के दरबार में पेश करो। और फिर के कहानी बनी वहां के राजा धर्म सिंह ने छोड़ रखे पहरेदार जगह जगह परवाने लाए राखे को न्यार ऐश व्यवहार। नौरतन राजा की लड़की लड़का हो नौरतन कुमार। मर क्या मन बचा ले रजीब हलक के मां फेगी। हे
मैं न्यारा वन्यारी एकली रोती रह गिरे मैं न्यारा वन्यारी एकली रोती रह गिरे ब्याह भी हो गया बहू भी आ गई रे ब्याह भी हो गया बहू भी आ गई फट गए चाले रे पापा शरीर के अंदर रया कर से लश्कर चार रुखाले रे बाबा कई तरह के रंग भरवा दे तोड़े पीले काले रे बाबा कई तरह